और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर किसानों का जबरदस्त हंगामा, किसान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान और पुलिस के बीच झड़प, भारी संख्या में यहां आंदोलनकारी किसान मौजूद हैं और किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर तनातनी मची हुई है, भारी संख्या में वहां किसान मौजूद हैं, दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेड जो लगाए गए, जी हाँ, एक दो नहीं, पांच पांच लेयर की बैरिकेड लगाए गए और उसे किसान तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं तनाव का माहौल बना हुआ है, किसान और पुलिस के बीच संघर्ष जारी है, बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से। शंभू बॉर्डर पर लगातार टेंशन बनी हुई है, एक तरफ किसान को जब हटाने का प्रयास किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं सभी किसानों ने आंखों पर, यहां पर जलन भी हो रहा है आंसू गैस गोले की वजह से। दूसरी तरफ किसान रुमाल बांध कर, जी हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, आगे कूच कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये बैरिकेटिंग कैसे हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको जब तस्वीरें दिखाई थी तो आपको दिखाया था कि हर बॉर्डर पर कैसे लेयर लगाए गए हैं और उसी बैरिकेटिंग को किसानों की तरफ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद पुलिस ने भी रोकने का प्रयास किया। देखिए देखिए, ये जो सीमेंट की बड़ी बड़ी, आपने देखा था कि बैरिकेटिंग पहले से लगाई गई थी, शंभू बॉर्डर पर ही ऐसी तस्वीरें हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी ऐसे कुछ बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर आपको बता दें भारी तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं। और देखिए, किसान नेता पहले ही कह रहे थे कि जो बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ये हमें रोक नहीं सकता, इन बैरिकेटिंग को तो हम ऐसे ही हटा लेंगे, लेकिन क्या अब ये जो बैरिकेटिंग हटाया जा रहा है, किसानों को यहाँ से हटाने का लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, लगातार सरकार का ये कहना है कि बातचीत से रास्ता निकल पाएगा, और देखिए किसान यहाँ मानने को तैयार नहीं है। पिछला किसान आंदोलन भी आपको याद होगा, उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी, लेकिन क्या कई दौर की बातचीत हो चुकी है, यहाँ तक कि कल रात को भी बातचीत हुई थी, केंद्रीय मंत्री पहुँचे थे, किसान नेता पहुँचे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और अब ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर, हालांकि देखिए पहले ही से ये अंदाजा था कि कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगी, क्योंकि किसान भारी संख्या में इधर कूच कर रहे हैं और किसानों को कहना है कि हम दिल्ली कूच करके, और देखिए यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है और कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। और ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और देखिए जो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बॉर्डर है, इसके आसपास जो खेत है, उधर भी किसान तितर बितर हो रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि सुबह से ही शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही है, और नीचे जो किसान पहुँच चुके हैं, जो सड़क के उस पार पहुँच चुके हैं, वो वहाँ से आपको बता दें कि लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं, कई किसानों को हिरासत में यहाँ से लिया जा रहा है, और जो किसान मौजूद हैं वो लगातार बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि ड्रोन के जरिए भी किसानों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, कई किसानों को यहाँ हिरासत में लिया गया है, किसान नेता ये कह रहे हैं चाहे कुछ हो जाए दिल्ली कूच करके रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 पर, और हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही तनातनी मची हुई है, संघर्ष जारी है, और अब आगे क्या होगा, क्योंकि करीब 2 बज चुके हैं और अब आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में, क्योंकि सुबह जब तस्वीरें आ रही थी तो लेयर दर लेयर आपने देखा प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, और ऐसी तस्वीरें अन्य बॉर्डरों से भी हमारे सामने आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे के आसपास टिकरी बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे, 12 सूत्रीय मांग। और सबसे बड़ा यहां पर सवाल ये उठता है कि पहले भी 22 दौर की बातचीत हो चुकी थी, कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद करीब दो साल बीत चुके हैं, फिर से किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ तत्पर है, किसान विरोध जता रहे हैं, और सीधे आपको तस्वीरें लगातार हम बॉर्डर से दिखा रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर की तस्वीरें सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं, हैरान करने वाली। और सवाल भी ये उठ रहा है कि जो आंसू गैस के यहाँ पर गोले दागे जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की टीम है मुस्तैद है।
वहीं हमारे सहयोगी बिमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिमल, जरा तस्वीरों के जरिए हमें समझाने की कोशिश करें, अभी वहां पर क्या तनातनी मची हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे शंभू बॉर्डर पर जैसे जैसे हलचल बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी हलचल बढ़ रही है। जो है वो संघर्ष देखने को मिल रहा है कि और उसके बाद क्योंकि तो जैसे ही शंभू बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने की खबर मिली उसके तुरंत तो बिमल से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें बिमल संघू बॉर्डर पर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि देखिए वहां पहले से ही अलर्ट है। वहीं हमारे पवन